Namaste, I'm Jaivin Aliria from the Department of Food and Biotechnology from the Faculty of Education and Methodology. Today I'll be discussing on the topic of eating disorders. हमें पता है being a dietitian और आज के ज़माने में जितनी भी diet के related बारे में हमें पता चल रहा है उसके सबसे ज़्यादा एक बहुत अहम part है वो है eating disorder. Eating disorder हम mainly देखते हैं जो भी age group है teenager age group है उसमें ज़्यादातर होती है eating disorders. ईटिंग डिसऑर्डर्स के पैटर्न होते हैं मेनली ईटिंग डिसऑर्डर दो टाइप्स के होते हैं एक तो अवॉइडेंस ऑफ फूड एक होता है एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड दो तरीके का होता है ईटिंग डिसऑर्डर एक तो आप खाने में मना कर रहे हो कि नहीं आपको भूख नहीं है दैट इज कॉल्ड ऑफ लैक ऑफ एपेटाइट एंड एक्सेस ऑफ फूड जो होता है मतलब आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ईटिंग डिसऑर्डर तो इसमें दो चीज़ें आती है एक आती है एनोरेक्सिया नर्वोसा एक आती है बुलिमिया नर्वोसा आज हम डिस्कस करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो मतलब है दैट मींस सिंप्लीफाइज अगर हम करते हैं तो एनोरेक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ एपेटाइट और नर्वोसा का मतलब होता है नर्वसनेस मतलब जब आप खाना खा रहे हो या तो फिर आपकी भूख नहीं है उस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हो या तो फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा अभी एनोरेक्सिया नर्वोसा हम ज्यादातर किन में देखेंगे हम देखेंगे टीन एजर लेडीज में क्योंकि जो 13 से 19 के बीच में इस गैप में जो एज होती है इस उम्र में लड़कियां बहुत ज्यादा पतला होने की कोशिश करती है या तो फिर जो उनका रोल मॉडल है या तो उनका जो ड्रीम कैरेक्टर है उनकी तरह होने की कोशिश करते हैं और ये होने के चक्कर में क्या होता है उनको ज्यादातर वो एनोरेक्सिया की शिकार होते हैं उनको पता नहीं होता उनको लगता है कि नहीं खाना हम कम खा रहे हैं दैट इज ओके विद आवर बॉडी बट दैट इज नॉट ओके विद आवर सिस्टम उसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है नाउ सिम्टम्स क्या क्या होंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा की जो मेजर सिम्टम होते हैं दैट इज लैक ऑफ एपेटाइट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सबसे पहला रीजन होता है लैक ऑफ एपेटाइट नेक्स्ट रीजन होता है इरिटेबिलिटी अगर आप किसी चीज के लिए बार बार मना कर रहे हो या तो फिर इनकार कर रहे हो तो एक टाइम पे आप जाके उस चीज को लेके बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाओगे एज सून एज यू गेट टू सी योर फूड यू विल गेट डिमोरलाइज कि नहीं मुझे नहीं खाना है ये सारी चीजें सिम्टम में आती है एंड मोर ऑर लेस जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो मेनली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है ऐसा नहीं है कि एकदम से हमें मन कर रहा है और हम नहीं खाना खा रहे इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अभी सिम्टम्स ये सारी बेसिक सिम्टम्स हो गई नेक्स्ट कम्स टू द कॉजेस ऐसा नहीं है कि कोई बचपन से पैदा होते से पैदाइश होते ही उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाएगा या तो फिर उसको ईटिंग डिसऑर्डर्स पहले से रहेंगे देयर इज मेनी सेवरल कॉजेस ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा सबसे पहला जो कॉज है वो है बायोलॉजिकल कॉज में सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले आएगा कोर्टिसोल लेवल हम जानते हैं कोर्टिसोल जो है वो हमारे एंड्रोकाइन सिस्टम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है कोर्टिसोल अगर किसी का कोर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस इंसान का टेंडेंसी रहता है एनोरेक्सिया नर्वोसा होने का नेक्स्ट इज जेनेटिक डिसऑर्डर जेनेटिक प्रॉब्लम अगर कोई सिबलिंग है उसमें अगर बड़े बहन को या तो फिर बड़े भाई को एनोरेक्सिया नर्वोसा है तो सेकेंड चाइल्ड में भी टेंडेंसी रहता है कि उनमें भी ये चीज हो नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या चीजें आएंगी एक आएगी सेल्फ एस्टीम नेक्स्ट आएगा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा सुंदर या तो फिर बहुत ज्यादा पतला दिखाने के लिए मोस्टली लोग खाना बंद कर देते या तो फिर प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल में आएगा नेक्स्ट इज सोशल और कल्चरल बिहेवियर में क्या क्या चीजें आएगी हमारी सोसाइटी में यूजुअली देखा जाता है कि हम मेल जो हमारी फैमिली मेंबर होता है मेल फैमिली मेंबर को हम ज्यादा प्रीडोमिनेंट करते हैं या तो फिर उनको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि ज्यादा खाना खाओ इफ लाइक दे आर बाहर काम करते हैं तो हमें लगता है कि उनको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए जो बड़ा पीस है वो उनको प्रोवाइड करना चाहिए तो इस चक्कर में क्या होता है सोशल और कल्चरल जो हमारी जो बिहेवियर होती है इससे भी टीनेज जो लड़कियां होती है उनमें ये ईटिंग डिस
डिसऑर्डर देखी जाती है. नेक्स्ट इज फाइनल इज डायग्नोसिस और मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो इस इंसान को एनोरेक्सिया हो रखा है उस इंसान को आपको मोटिवेट करना है कि नो, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो गलत है. ना खाने से आपके सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर आपकी जो अपब्रिंगिंग है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, आपकी बाकी जो ऑर्गन्स है वो सपोर्ट नहीं भी कर सकता है. लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. उसके बाद आता है मेडिकेशन. एनोरेक्सिया नर्वोसा का यूजुअली कोई मेडिकेशन नहीं होता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, कि उनको अंदर से ही आता है कि नहीं हमें खाना नहीं खाना है, वी गेट टू स्लीप. तो मेडिकेशन इसका प्रॉपर कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ अगर कोई सीवियर स्टेज में पहुंच गया है ईटिंग डिसऑर्डर का तो डेफिनेटली उस चीज का मेडिकेशन आपको लेना पड़ेगा. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिकेशन, मेडिकेशन हो गया. नेक्स्ट इज साइकोथेरेपी. साइकोथेरेपी में क्या आएगा, साइकोथेरेपी में वही चीजें आती है, बहुत बेसिक चीजें जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, दैट इज काउंसलिंग. आपको काउंसलिंग कराया जाएगा कि आपको क्यों भूख नहीं है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो. दिस ऑल कम्स अंडर द मैनेजमेंट. सो दिस इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, अ फेमस ईटिंग डिसऑर्डर. थैंक यू.